नमस्कार, लेट्स एडू में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसे कितने व्यक्ति रहे हैं जो पूर्व में किसी राज्य में मुख्यमंत्री थे और बाद में प्रधानमंत्री जाके बने? तो आज इसी के बारे में बात करते कि ऐसे कितने भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं जो पूर्व में किसी राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कड़ी में नाम आता है मोरारजी देसाई का। मोरारजी देसाई अविभाजित गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बाद में 1979 में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद दूसरा नाम चौधरी चरण सिंह का है। चौधरी चरण सिंह पूर्व में मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के और इसी सरकार में जिसमें मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद यही दूसरे प्रधानमंत्री आपके रहे हैं चौधरी चरण सिंह 1979 में। तीसरा इस कड़ी में नाम आता है विश्व प्रताप सिंह, बीपी सिंह। बीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और बाद में ये जाके अपने प्रधानमंत्री बने हैं देश के। इसी कड़ी में अगला जो नाम आता है पीबी नरसिम्हा राव। पीबी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश में पूर्व में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं और बाद में ये भारत में 1991 से लेकर 96 तक ये प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया इन्होंने। और पीबी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से आने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री का भी इनके नाम पर इनका नाम ही आता है। इसके अलावा एच डी देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। इस कड़ी में लास्ट बट नॉट लीस्ट नरेंद्र मोदी पूर्व में गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री है। धन्यवाद।